तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के फार्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और आप लोग धड़ल्ले से जाके फार्म अप्लाई कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग उन फार्म अप्लाई करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां भी कर दी होंगी, जिनकी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और उनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जब आप 185 रुपये की फीस कटवाते उसके बावजूद आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आता और आपको एग्जाम देने को नहीं मिलता है, उस टाइम आपको फीलिंग आएगी जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया हो। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और आपको छोटी छोटी गलतियां करने से हम बचाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आप फार्म अप्लाई करवाने जा रहे हैं, आपका फार्म अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद ही फार्म अप्लाई करिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सो नाउ दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर दोस्तों वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि इसमें दोस्तों जो कि 5 चरण से आपका ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे नंबर पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर का इसमें इन्होंने नया फंडा अप्लाई कर दिया है। किस प्रकार से अपलोड करना है, क्या क्या इसके क्राइटेरिया रहने वाले हैं, तो वीडियो देख के ही दोस्तों आप लोग जाइएगा। तो अगली स्टेप आपको आएगी, फॉर्म का शेष विवरण भरा जाना है। पहले तो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसमें बहुत सारी जानकारी फिल करनी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जानकारी फिल करनी है, फिर शेष विवरण भी आ जाना, उसके बाद आपकी होगी फी पेमेंट एंड आपको फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो इन सभी स्टेप्स से गुजरने के साथ साथ बीच में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को हम लोग करेंगे स्किप। तो चलिए दोस्तों, आगे स्टेप्स पे हम लोग बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक सैंपल पेपर दिखाया जा रहा होगा दोस्तों, और आपको बता दें कि आपको फोटो इस प्रकार अपलोड करनी है और ये सिग्नेचर भी आपको इस प्रकार अपलोड करनी है। आपकी सहायता के लिए यहाँ पे हमने सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ रखा है। आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसकी चौड़ाई दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई जो भी है वो 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो भी फोटो का साइज है वो दोस्तों 50 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी हम बताएंगे कि जो भी आप फोटो क्लिक करवाते हैं उस फोटो का समय दोस्तों यानी पिछली 6 महीनों से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई करवाने जा रहे हैं उसी टाइम आप नई फोटो इसमें लगाइए, नई फोटो क्लिक करवा के उसमें दोस्तों एडजस्ट करवाइए। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए। तो नॉर्मल दोस्तों एक पीछे एक नॉर्मल कलर का पर्दा होना चाहिए, चाहे तो व्हाइट या फिर ब्लू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका चेहरा साफ साफ दिखाई देना चाहिए और जहां तक है आप लोग चश्मा यूज ना करें और ऐसे नॉर्मली फोटो क्लिक करवाएं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमने 2 प्रकार से सिग्नेचर यहाँ पे किए हुए हैं, ऊपर है इंग्लिश, नीचे है हिंदी। तो आपको हम बता दें ये हिंदी वाला जो कि यहाँ पे आपका नाम पड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी में नाम नहीं डाला तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ऊपर आप चाहो तो हिंदी में ही लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में अपने सिग्नेचर कर सकते हो, लेकिन नीचे हिंदी में आपको साफ साफ नाम अपना डालना पड़ेगा। और इसकी चौड़ाई दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होनी चाहिए, और इसका साइज दोस्तों होना चाहिए 20 KB। 20 KB से 30 KB के बीच आप इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फोटो का साइज दोस्तों होना चाहिए 50 KB, और फोटो की दोस्तों टाइम अवधि हमने बता ही दी है कि पिछले 6 महीनों से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगली स्टेज पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या रहने वाली है। तो इसमें दोस्तों अगर आप हाई स्कूल कर चुके हो और आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप आराम से फार्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाई स्कूल से प्लस हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन भी ऐड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट की 185 रुपये रहने वाली है, एससी एसटी कैंडिडेट की दोस्तों 95 रुपीज़ होने वाली है, और पीएच कैंडिडेट्स यानी जो विकलांग वगैरह हैं उनकी केवल 25 रुपये फीस रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे हम लेके आए हैं। सबको पता ही है कि ऑनलाइन स्टार्ट होंगे दोस्तों फार्म 28 जून से, जो कि हो चुके हैं ऑनलाइन स्टार्ट होना, और 27 जुलाई इसकी अंतिम तिथि दोस्तों रखी गई है, और फी पेमेंट की लास्ट डेट भी 27 जुलाई 2022 ही रखी गई है। अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं और कोई आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो उसको दोस्तों 3 अगस्त 2022 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम दोस्तों सितंबर 2022 में दोस्तों इसका यानी कि एग्ज़ाम होना है, और एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे इसकी अभी कोई खास डेट नहीं आई है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि भाई ये यूपी ट्रिपल एससी के तहत ये वैकेंसी निकाली जाती है और हो सकता है इसकी डेट भी एग्ज़ाम की आगे पीछे पड़ सकती है। तो ये कोई फाइनल नहीं है कि सितंबर 2022 में एग्ज़ाम होगी, लेकिन हाँ इसे आप लोग 90% तक लेकर चलिए कि सितंबर में भी एग्ज़ाम हो जाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी तक जो भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक बाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, फटाफट जाइए और ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन हैं और स्टडी मटेरियल्स वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो था, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, नहीं हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।